हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो कैसी पढ़ाई चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता। तो अभी इससे पहले आज मैं जो आपको करवाने जा रही हूँ, चैप्टर आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है एंड द सेल, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे लास्ट टॉपिक था, वो भी इसी चैप्टर की स्टार्टिंग थी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी सेल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है। तो आई जस्ट होप यू गॉट माई पॉइंट। आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दूसरा यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। और आपको पता है कि बाउंड्री तो होना जरूरी है। हम अपना घर बनाते हैं तो घर की भी एक मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा या किसी का भी घर इतना है। तो बाउंड्री है वो एक टाइप से किसी भी चीज को शेप देती है। यहाँ पे हम किसकी बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन। भाई मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है किसकी? सेल की। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारा न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है, दिस इज द सेल, एनी सेल, दिस इज साइटोप्लास्ट, एनी साइटोप्लास्ट। ओके, चलो यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। दिस इज न्यूक्लियस, ओके, विच हैविंग न्यूक्लियर पोर इनसाइड इट। अभी ये हमारा जो टॉपिक है वो ये है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू कैन से सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखिए किस किस से बनी हुई होती है। एक तो अगर कोई आपसे इसके फंक्शन पूछेगा तो क्या बताओगे? भाई आपके घर की जो बाउंड्री है वो आपको किससे, एक तो बताया अभी अभी मैंने कि वो आपके घर को शेप देती है, दूसरा ये हमारे किसी भी अनवांटेड मटेरियल हैं उनसे आने के लिए हमारी सेल को बचाती है, उनको अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देती, बैरियर का काम करती है। तीसरा ये हमारे जो हमारी सेल है उसका जो अंदर वाला मटेरियल है ना उसको बाहर जाने देती है, बिकॉज इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फिक्स शेप होती है, मैकेनिकल बैरियर का काम करती है ये, किसी भी एंटीजन वगैरह को हमारी सेल्स को, एंटीजन्स वगैरह से हमारी सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। अब भाई आप इसकी कंपोजिशन देखिए कि कंपोजिशन क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना एक टाइप की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल। अभी ये सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी, सेमी का मतलब होता है कुछ, सम, ओनली सम। परमिएबल मींस परमिशन देना, है ना? तो ये वो मेम्ब्रेन है
जो सभी मटेरियल को अपने अंदर से आने जाने नहीं देती है, तो क्या करती है, ये सिर्फ कुछ ही मटेरियल को अपने अंदर से आने देती है, अपने अंदर से और अपने बाहर के मटेरियल को बाहर जाने देती है, इसीलिए हम इसको सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे जो हमारी मेम्ब्रेन है वो थ्री टाइप्स की होती हैं, सेमी परमीएबल, इम्परमीएबल और थर्ड वन इज परमीएबल। सेमी परमीएबल अभी बताया, जो सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही अपने अपने में से होके आने जाने दे, उसे हम उस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमीएबल बोलते हैं। इम्परमीएबल जो किसी को भी अलाव ना करे, उसे हम इम्परमीएबल बोलते हैं। और परमीएबल विच अलाउ एवरीथिंग टू पास आउट, दैट इज नोन एज परमीएबल। लेकिन हमारा जो टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो इनमें से कौन सी टाइप की मेम्ब्रेन है, वो है हमारी सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस की बनी हुई है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बायलिपिड लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन भी यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक इंटरनल प्रोटीन सेकंड इज एक्सटर्नल प्रोटीन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, हमने ये इतना इतना पार्ट ले लिया इसका, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दिस मॉडल इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज इनसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, and this is outer part of the cell, this, and this is known as ECM, extracellular matrix, ठीक है। ये मैंने अभी बताया कि हमारा जो प्रोटीन है ये प्रोटीन पार्ट है और ये प्रोटीन पार्ट है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन पार्ट होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो दैट देर आर टू प्रोटीन्स, टू टाइप ऑफ प्रोटीन। One is this, which is bigger in size, and this is very small in size. तो ये जो बड़ा जो आप देख रहे हो, ये हमारी दोनों this layer as well as this layer, दोनों layer को cover कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, we call this is the tunnel protein, okay? Tunnel क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। अब ये हमारा जो ये protein है,
दिस एक्सटर्नल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अलाउ करता है, इसीलिए यहाँ पे इसका काफी रोल है। ये प्रोटीन है हमारा, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल प्रोटीन। आई जस्ट होप यू गॉट दिस पॉइंट। दिस इज एक्सटर्नल प्रोटीन, and this is also external protein, bahar hai isliye nahi, ye hamari ek lipid layer mein hai, isliye isko membrane ke bahar ki taraf hota hai, isliye isko hum kya bolte hain, external protein bolte hain। ye hai hamara internal protein, इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन को हम एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो इंटरनल प्रोटीन है उसको हम टनल प्रोटीन, इंटरनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अलाउ करने वाला प्रोटीन, तो ये हमारे काफ़ी सारे प्रोटीन हैं, दो टाइप के ही प्रोटीन हैं हमारे। अब हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट भी इसका कुछ पार्ट्स बनाता है? Yes, carbohydrate is also present towards the outside of the membrane. Cholesterol भी होता है यहाँ पे, हमारा cholesterol भी हमारी membrane की fluidity को maintain करता है। ये आप हर ये हमारा तो ये जो plasma membrane है इसका structure आप कैसे बताएंगे? Lipids हैं, lipids, lipids, there are two layer of lipids present, two layers of lipids, lipids, so you can say bilayer, bilayer of lipids are present here, and ek lipid molecules ke do hisse hote hain, ek head dusra tail, and second one is tail, head region, tail region, polar and non-polar lipid, lipid molecule having polar and non-polar region, and these are also known as hydrophilic water loving as well as hydrophobic water repelling। तो ये जो है हमारा polar region ये water loving है, लेकिन hydrophilic है वो नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक है वो, नॉन पोलर रीजन है, टेल रीजन है जो वाटर को रिपेल कर देता है। इसके बारे में हम और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपने अपने जो प्रॉब्लम है, अपने जो डाउट हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट योर दैट।